हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवन द विजन डेवलपमेंट अकेडमी। आपका स्वागत है। मैं लेसन डिजिटल मार्केटर। आज हम आ गए यूट्यूब मार्केटिंग कोर्स की कंप्लीट सीरीज में। लेसन वन, इंट्रोडक्शन ऑफ यूट्यूब मार्केटिंग, यानी कि यूट्यूब मार्केटिंग का परिचय। हम इस लेसन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब मार्केटिंग की, और इसमें हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं कि किस तरह से हम यूट्यूब का परिचय दे सकते हैं। देन इसके बाद हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरे कंप्लीट कोर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले फर्स्टली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ यूट्यूब मार्केटिंग। तो देन इसी तरीके से हम समझने वाले हैं कुछ की पॉइंट से, और आज का हमारा पूरा फोकस यही रहेगा यूट्यूब के इंट्रोडक्शन में। तो फर्स्ट हम समझेंगे यूट्यूब की जर्नी, किस तरह से यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई है। देन इसी के साथ हम आपको YouTube के कुछ स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट बताने वाले हैं, और इसी तरीके से आप YouTube के बारे में भी जानोगे, और साथ ही साथ आखिर में YouTube क्या है और किस तरह से यूज होता है इसके बारे में भी हम समझेंगे, और इसी तरीके से क्यों आपको भी एक YouTube चैनल क्रिएट करना चाहिए या बनाना चाहिए ये भी हम इसके बारे में बात करेंगे, और इसी के साथ में आपको कुछ बेनिफिट बताऊंगा यूट्यूब के। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझने वाले हैं और कंप्लीट जर्नी को समझेंगे। तो फर्स्टली, जैसे कि आपको पता है, YouTube आज के टाइम पर दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन बन गया है, और YouTube का हम बोले तो सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर प्रति मिनट 500 से ज्यादा वीडियो शेयर की जाती है। YouTube Google के बाद सबसे ज्यादा बार सर्च होने वाली वेबसाइट है, इसलिए YouTube की Alexa रैंकिंग सेकंड है। YouTube अमेरिका की एक कंपनी है, जिसे 2006 में Google ने खरीद लिया था। तो इसी तरीके से YouTube की जर्नी यहाँ पे स्टार्ट होती है, और YouTube की जर्नी में तीन लोग होते, स्टीव चैन, चेड हार्ली और जावेद करीम। इन तीनों ने मिलकर फरवरी 2005 में YouTube को लॉन्च किया था। जैसे ही फरवरी 2005 में लॉन्च किया, देन इसी के बाद दिसंबर 5 तक 8 मिलियन यूजर्स पर डे यूट्यूब पर आने लगे। इसी की तरीके से जैसे जैसे यूट्यूब बढ़ने लगा, तो यहां पर जुलाई 2006 तक 65 मिलियन वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड होने लगी, और इसी तरीके से गूगल ने यूट्यूब को अक्टूबर 2006 में 1.65 बिलियंस में खरीद लिया, और इसी तरीके से गूगल आज अपना खुद का यूट्यूब लेकर आ चुका है, और इसी तरीके से यूट्यूब को इंट्रोड्यूस किया गया खुद के करेंट लोगों में अगस्त 2017 में। तो इसी के साथ ही यूट्यूब की पूरी जर्नी होती है, और जैसे कि आपको पता है, यूट्यूब पर आप अपनी मन मर्जी के मुताबिक वीडियोस देख सकते हैं, फ्री में नॉलेज ले सकते हैं, और खाली समय में आप एंटरटेन कर सकते हैं। इसलिए यूट्यूब के यूजर्स की संख्या में डेली वाइज हम बोल सकते हैं कि इजाफा हो रहा है, और डेली वाइज यहाँ पर यूजर्स बढ़ रहे हैं। यूट्यूब में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वीडियो देखने वाले और दूसरे वीडियो बनाने वाले। वीडियो बनाने वाले को क्रिएटर कहा जाता है, क्रिएटर कोई भी बन सकता है। अगर आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी स्किल्स में आपको अच्छा सा नॉलेज है, तो आप यूट्यूब पर क्रिएटर बनके पैसे भी कमा सकते हो। इंडिया में ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स क्रिएटर्स आपको मिल जाएंगे, जो लाखों करोड़ रुपए महीने कमाते हैं। चलिए इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करेंगे यूट्यूब के कुछ स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट को, कि आखिर में क्या फैक्ट यहाँ पर यूट्यूब के कहे गए हैं, जो आपने शायद ही कभी समझे हो या फिर समझे हो। तो जैसे कि कहा गया है, यूट्यूब पर हर मिनट और 500 आवर्स के हिसाब से कंटेंट अपलोड हो रहा है। इसी तरीके से YouTube एक सेकेंड मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट बन गई है पूरी अर्थ पर, पूरी दुनिया में, और इसी के साथ यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि YouTube पर हर मंथ 1.8 बिलियन यूजर्स विजिट कर रहे हैं आ रहे हैं, और इसी तरीके से YouTube पर सबसे ज्यादा लोग 15 बिलियन पर ईयर के हिसाब से भी अराउंड कमा रहा है। तो इसी तरीके से साथ हम समझ सकते हैं कि YouTube आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड का मोबाइल ट्रैफिक लेके बैठ चुका है, जो 35.7% है। इसी तरीके से YouTube की स्टैटिक्स और फैक्ट है, तो चलिए फन फैक्ट को समझ लेते हैं। YouTube में अर्न करता है 15 बिलियंस पर ईयर, और इसी के साथ यहाँ पर YouTube पर ट्रैफिक जो है मैंने आपको बताया 37% अराउंड मोबाइल ट्रैफिक YouTube का अपने पास है, और इसी तरीके से YouTube पर हर आवर्स मैंने आपको जिसे बताया कि 500 वीडियोस कंटेंट पर मिनट के हिसाब से यहाँ पे अपलोड होने लगे हैं, और YouTube को जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि इसे फाउंडेड हुआ था फरवरी 2005 को, और इसका हेडक्वार्टर है सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया। इसी तरीके से एज ऑफ टुडे YouTube इज नाउ 17 इयर्स ओल्ड। गूगल के पास अपने खुद ने परचेज किया था 1.65 बिलियन वो भी अक्टूबर 2006 में, और इसी के साथ ही पॉपुलर म्यूजिक चिल्ड्रन म्यूजिक जो हुआ था बेबी शार्क डांस का, जो पूरी तरीके से पिंक फॉर्म था, और ये पूरी तरीके से हम बोल सकते हैं कि 10 बिलियन टाइम ओवर्स टाइम वॉच किया गया था। तो इसी तरीके से YouTube के यहाँ पे अपने कुछ की फन फैक्ट है। अब चलिए बात आती है अबाउट YouTube के, यानी कि YouTube के बारे में और भी क्या क्या चीजें इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या नॉलेज है जिसके बाद में आपके बीच में यहाँ पर हम शेयर करेंगे। यूट्यूब लॉन्च हुआ था वैलेंटाइन डे के दिन और इसी तरीके से इसका डोमेन एक्टिवेट हुआ था फरवरी 2005 को, बट वीडियो अपलोड जो हुआ था उसका फीचर्स यहाँ पर नहीं आया था। जो उसका फीचर्स एड किया गया था वो अप्रैल 23 को यहाँ पर इस ईयर में अपलोड किया गया। देन इसी के साथ जावेद करीम जो है को फाउंडर है और इन्होंने अपना खुद का एक फर्स्ट वीडियो डाला था जो बहुत ही छोटा था और 2 महीने पहले। तो इसी तरीके से यूट्यूब का अपने बारे में यहाँ पे बताया गया। इसी के साथ यहाँ पर हम समझे तो फर्स्ट इवर यूट्यूब वीडियो जो हुआ था वो रिलीज हुआ था 25 अप्रैल 2005 को। इसी के साथ यहाँ पर 219 मिलियन पीपल्स ऐसे है जो यूट्यूब पर उन्होंने पहली वीडियो को देखी जो जावेद करीम की थी, जो एक को फाउंडर है YouTube के। और इसी के साथ उन्होंने अपलोड करा था अपनी खुद की फर्स्ट वीडियो जिसका नाम था मी एट द जू, जो एक लास्ट 19 सेकंड की थी और वो रिकॉर्ड की गई थी सैन डिएगो जू में। तो इसी तरीके से YouTube के बारे में कहा गया है। और भी बेसिक चीजें जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, गूगल अब करेंटली खुद का अपना यूट्यूब यानी गूगल ने अपने यूट्यूब को अपने कंट्रोल में ले लिया है, कंट्रोल में यानी कि यूट्यूब को खरीद लिया। अब इसी के साथ अक्टूबर 26 में गूगल ने पेड किए थे 1.65 बिलियन फॉर यूट्यूब के लिए और यहाँ पर अब जो टाइम आ गया है वो पूरी तरह से लॉट ऑफ मनी का और बहुत सारी चीजें अब यहाँ पे गूगल ने चेंजेस कर दिए। तो हम बोल सकते हैं कंपैरिजन ऑफ यूट्यूब की वैल्यूज को और इंक्रीज हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम और भी सिंपल वे में समझें तो यहाँ पर अब यूट्यूब का खुद का अपना पर्सनल रेवेन्यू एड रेवेन्यू 2020 में 19.77 बिलियन आया था। इसी तरीके से एडवर्टाइजिंग सबसे बढ़िया वन ऑफ द की है रेवेन्यू स्ट्रीम की वो यूट्यूब की, और यूट्यूब मेट करता है खुद के लिए बिलियंस यहाँ पे बनाता है 28.8 एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू इन 2021 में। इसी के साथ हमने यूट्यूब के बारे में जाना, अब हम बात करने वाले हैं आखिर में यूट्यूब है क्या। यूट्यूब एक वेबसाइट और एक ऐप है जहाँ पर आप इजिली तरीके से वीडियो उसको ऑनलाइनली देख सकते हो। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के वीडियोस मिल जाएंगे जैसे म्यूजिक वीडियोस, ट्यूटोरियल्स, कोर्सेस या फनी क्लिप्स और एंटरटेनमेंट के हिसाब से हर एक चीज आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। और इसी के साथ अगर आप भी चाहते हो कि आप भी इजीली तरीके से अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकें और अपने हिसाब से वीडियोस को अपलोड कर लें जिसके थ्रू आपकी वीडियोस को बहुत सारे लोग देख सकें अपने यूट्यूब चैनल पर, देन इसी तरीके से आप नई नई चीजें यहाँ पे सीख सकें, लोगों को आप एंटरटेन कर पाए या अपने आइडियाज के बारे में लोगों को शेयर कर सकें, ऐसी बहुत सारी चीजें आप YouTube पर कर सकते हो। तो इसी के साथ हमने समझा आखिर में YouTube क्या है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं Why you should make YouTube channel, क्यों आपको एक YouTube channel क्रिएट करना चाहिए। तो चलिए इस रीजन को हम कंप्लीटली समझ लेते हैं। तो फर्स्ट रीजन है शेयर योर एक्सपर्टीज। अगर आपको किसी के बारे में या किसी भी स्किल्स के बारे में आपको अच्छे से आता है तो आप अपनी एक्सपर्टीज को लोगों के बीच में शेयर कर सकते हो। आपके पास किसी चीज का नॉलेज है या स्किल्स है किसी एरिया में तो आप अपना एक खुद का यूट्यूब चैनल क्रिएट करके और बढ़िया वे में एक्सपर्टीज के साथ लोगों के बीच में अपने आइडियाज को शेयर कर पाओगे। एज एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करूं, अगर आपको एक बेसिकली तरीके से हम बोलें कि आपको एक केक बनाना आता है और आपको उस केक में बहुत अच्छी एक्सपर्टीज है और आप चाहते हैं कि लोग बाग भी आपके केक की डिजाइन देखकर लोग बाग भी आपको देखकर अच्छे से बनाना सीख जाए तो आप यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो बना सकते हो और अपलोड कर दोगे। तो आपकी अपनी खुद की एक्सपर्टीज अपना नॉलेज लोगों के बीच में शेयर करने से आपको यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स होने लगेंगे। तो आपको ध्यान रखना कि आपको किस चीज में किस सब्जेक्ट में अच्छे एक्सपर्टीज है, किस स्किल का, किस अच्छी चीज का नॉलेज है उसके बारे में ज्यादा तरीके से लोगों के बीच में अपने एक्सपर्टीज को शेयर कीजिए तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने लगेंगे। सेकंड है बिल्ड एन ऑडियंस। यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी तरीके से ऑडियंस मिल जाती है, आप इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट यहाँ पे क्रिएट करते हैं, नई नई ऑडियंस यूट्यूब पर आती है और वो देखती है कि यहाँ पर आपको एक बड़ी तरह से अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। एज ए स्पॉन्सरशिप आप कर सकते हो, किसी भी कंपनीज के साथ कोलेबोरेशन कर सकते हो और एक फुल टाइम यूट्यूब पर अपना अपना खुद का करियर बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स को आप जानते होंगे जिन्होंने अपने करियर को एक यूट्यूबर को अपने खुद के करियर को फुल टाइम करियर यहाँ पे बना लिया। तो इसी के साथ आपको समझना है कि किस प्रकार की आप ऑडियंस बनाना चाहते हैं, उसी तरीके से अपने कंटेंट को लेके आइए और सबसे बढ़िया अपनी ऑडियंस को यहाँ पे क्रिएट कीजिए। थर्ड बेनिफिट अगर हम यहाँ पे समझे तो आप इजिली तरीके से अगर आप यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो मेक मनी आपके लिए बनाना एक सिंपल वे हम बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। यहाँ पे यूट्यूब ऑफर्स करता है मोनेटाइजेशन के ऑप्शंस को जो अलाउ करता है क्रिएटर्स के लिए, यहाँ पर आप डिफरेंट वे में मनीज को बना सकते हैं। देन इसी तरीके से आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं एक्स्ट्रा इनकम वो भी एक फुल टाइम बिजनेस के साथ में। तो इजिली तरीके से आप किस प्रकार का कॉन्टेंट बना रहे हो उस हिसाब से आपकी अर्निंग यहाँ पे स्टार्ट होने लगती है। इसी के साथ प्रमोट योर ब्रांड। अब आप चाहते हैं कि आप अपनी खुद की कंपनी या खुद के बिजनेस के बारे में ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करके अपने ब्रांड के बारे में प्रमोट कर सकते हैं, ज्यादा लोगों को अपने ब्रांड के बारे में बता सकते हैं। अगर आपके पास खुद का पर्सनल या बिजनेस ब्रांड है तो आप यहाँ पे अपना खुद का यूट्यूब चैनल क्रिएट कीजिए। देन इसी
सही तरीके से आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को प्रमोट कीजिए, जिससे क्या होगा आपके प्रोडक्ट सर्विसेज लोगों के बीच में पता चलेगा और आपकी यहाँ पे सेलिंग बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पे एक ब्रांड प्रमोशन करने के लिए सबसे बढ़िया हम बोल सकते हैं आज के टाइम पे यूट्यूब प्लेटफॉर्म हमें यहाँ पर मिल जाता है। इसी तरीके से 5 है डेवलप योर स्किल्स। आप चाहे तो अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि यूट्यूब पर जितनी वीडियोस वैरायटी ऑफ स्किल्स की वीडियोस आ रही है उन वीडियोस को आप समझिए, देन इसके बाद अपनी खुद की वीडियोस क्रिएट कीजिए, वीडियो एडिट कीजिए, उसके बारे में लिखिए और पब्लिक स्पीकिंग जैसे रिलेटेड हर एक चीज के बारे में आप चैनल क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपको एक सही स्किल्स यहाँ पर आ रही है। तो अपनी स्किल्स को आप यूट्यूब के थ्रू सीख सकते हैं और बढ़िया तरीके से अपने खुद के चैनल्स में बना के और यहाँ पे नए नए आइडियाज अपनी वीडियोज में लगा सकते हो। इसी तरीके से अगर आप एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो आपको जानना जरूरी हो जाएगा कि आप कनेक्ट हो जाते हैं अदर लोगों के साथ में, क्योंकि YouTube स्पेशल प्लेटफॉर्म है जो क्रिएट करने को हेल्प देता है, चैनल क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है। देन इसी तरीके से हम अपने इंटरेस्ट और पेशेंस के साथ में लोगों के बीच में अपने इंटरेस्ट को शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी खुद की कम्युनिटी बनाकर हम अपने यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं, लोगों को एंगेज कर सकते हैं। जितने ज्यादा व्यूअर्स को हम एंगेज करेंगे, कमेंटर्स को एंगेज करेंगे, उतनी हम अपनी लाइव स्ट्रीम को बढ़ा सकते हैं और एक बढ़िया तरीके से इंटरेक्शन लोगों के बीच में कर सकते हैं। जितनी बढ़िया इंटरेक्शन आपकी रहेगी उतना बढ़िया तरीके से आपका चैनल भी ग्रो होगा, साथ ही साथ आपके ब्रांड भी प्रमोशन होने लगेगा। इसी तरीके से यहाँ पर है वो फन, कुछ लोग फन के लिए यूज करते हैं क्रिएटिव यूट्यूब चैनल के लिए, इसी तरीके से वो फन और क्रिएटिव आउटलेट यहाँ पर ढूंढते हैं जहां पर वो बढ़िया तरीके से सीरियस टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं या फिर कुछ फ्रेंड्स के बारे में बात करते हैं। तो इसीलिए तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉन्टेंट को क्रिएट करने के लिए यूट्यूब के साथ हम सेटिस्फाई हो सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपनी खुद की एक्टिविटीज को। तो आपको समझना है कि किस प्रकार का आप यहाँ पर फन लेके आ रहे हैं, जितना बढ़िया फन रहेगा उतनी बढ़िया तरीके से आपको YouTube चैनल भी अच्छी तरीके से रन होने लगेगा। अब यहाँ पर हम समझने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ YouTube, आखिर में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं YouTube के। तो चलिए सिंपल वे में हम यहाँ पे समझ लेते हैं, क्योंकि YouTube एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो एक इंटीग्रल पार्ट है मॉडर्न सोसाइटी का, और यहाँ पर बहुत सारे ऑफर्स और बेनिफिट्स इंक्लूड है जिन्हें शायद हम बहुत कम वे में बता पाएंगे। तो जैसे कि बेनिफिट्स का हम समझे तो सबसे पहला है रीच। आप चाहे तो YouTube को समझ सकते हैं कि YouTube एक सेकंड मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है पूरे वर्ल्ड में और ओवर 2 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग करिए अपने YouTube चैनल, देन इसके साथ ही आपको यहाँ पर लार्ज ऑडियंस मिल जाती है, देन इसी तरीके से अपने ऑनलाइन बिजनेस को आप बढ़ा सकते हो और एक बढ़िया तरीके से अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में रीच फैला सकते हो। जितनी बढ़िया रीच आपकी लार्ज ऑडियंस के बीच में रहेगी उतना बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर अपने ब्रांड अपने प्रोडक्ट के बारे में एक बढ़िया तरीके से सेलिंग मिल जाएगी। देन इसी तरीके से सेकंड बेनिफिट से ब्रांड, YouTube यहाँ पे पावरफुल टूल्स की हेल्प से हम ले सकते हैं और देन इजीली तरीके से अपने पर्सनल या खुद के बिजनेस ब्रांड को बढ़ा सकते हैं। एक बड़ी तरीके से हाई क्वालिटी एंगेजिंग कंटेंट आप क्रिएट कीजिए जिसके थ्रू आप अपने ब्रांड को बढ़ा पाओगे और नीच को समझिए कि आपकी ऑथोरिटी नीच क्या है, किस प्रकार का आप लोगों के बीच में ट्रस्ट और लॉयल्टी दे रहे हो अपने ऑडियंस को। इस प्रकार की जितनी आप बढ़िया तरीके से ब्रांडिंग करोगे उतना बढ़िया तरीके से आप अपने चैनल को क्रिएट कर पाओगे और बढ़िया तरीके से अपने ऑडियंस को बिल्ड कर पाओगे। इसी के साथ थर्ड बेनिफिट है मोनेटाइजेशन। अक्सर बहुत से लोग YouTube चैनल्स को क्रिएट करते हैं एज ए कंटेंट क्रिएटर के रूप में और चाहते हैं कि उनका यहाँ पे मोनेटाइजेशन यहाँ पे क्रिएट हो, एक एक्स्ट्रा इनकम आने लगे। तो ये एक बढ़िया बेनिफिट हमें यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि YouTube हमें बहुत सारी चीजें ऑफर करता है जिसके थ्रू अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं, चाहे इंक्लूडेड हो या स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं मर्चेंडाइजिंग सेल्स या फिर मेंबरशिप लेके भी हम यहाँ पर अपने कंटेंट को मोनेटाइजेशन में ला सकते हैं। यहाँ पर हम फॉलोइंग लॉयल्स और साथ साथ हाई क्वालिटी कंटेंट जितना बड़ी तरीके से क्रिएट करेंगे उतनी हम एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पर यूट्यूब चैनल्स के थ्रू कमा सकते हैं। तो आपको समझना है कि किस तरह से अपने कंटेंट को मोनेटाइजेशन के थ्रू ला सकते हो, उससे उसमें डेवलप कर सकते हो। देन इसी तरीके से फॉर बेनिफिट्स है क्रिएटिविटी। जितनी बढ़िया तरीके से आप क्रिएटिविटी करोगे यूट्यूब अलाउ करता है कि किस प्रकार से अपने आपको रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, कितनी क्रिएटिव तरीके से लोगों के बीच में अपने टैलेंट को अपने स्किल्स को शो कर पा रहे हो। तो आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में अपने एक्सपेरिमेंट को शो कीजिए, स्टाइल से लेकर हर एक चीज के बारे में कॉन्टेंट क्रिएट कीजिए। जितना बढ़िया आपका कंटेंट होगा उतनी बढ़िया तरीके से आपकी ऑडियंस आपकी रीच तक आ पाएगी और एक बढ़िया तरीके से आपसे एंगेज हो पाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि क्रिएटिविटी की कोई भी लिमिट नहीं होती है। इसी के साथ 5 बेनिफिट्स हमें समझना है। पहला सोशल इंटरेक्शन। YouTube हमें प्रोवाइड करवाता है एक प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू हम लोगों के बीच में कनेक्ट हो सकते हैं, अपने इंटरेस्ट से लेके हर एक चीज को हम यहाँ पे ला सकते हैं और साथ ही साथ लोगों की पसंद नापसंद को भी हम समझ सकते हैं, जिसके थ्रू लोग अपने आइडियाज को अपने ओपिनियंस को कमेंट्स के थ्रू यहाँ पे शेयर करते हैं, जिसके थ्रू अपना खुद का चैनल क्रिएट करके यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक्चुअली हमारे फॉलोअर्स क्या चाह रहे हैं, उनके बीच में हमें सोशल इंटरेक्शन करना आना चाहिए। देन इसी तरीके से हमें यहाँ पे बहुत
बढ़िया बेनिफिट्स मिल जाता है। जितनी ज्यादा ऑडियंस हमारे पास होगी उतना बढ़िया हम बोल सकते हैं, हमारी सेलिंग हो पाएगी और अपने ब्रांड के बारे में हम बढ़िया तरीके से प्रमोशन कर पाएंगे। तो इसी के साथ 6 बेनिफिट है मार्केटिंग। यूट्यूब एक पावरफुल मार्केटिंग टूल्स है ही, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेसेस को और मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छी तरह से यूज कर पाओगे। आप अपनी कंपनीज के लिए क्रिएट कर सकते हो प्रमोशनल वीडियो शोकेस के लिए, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में ज्यादा लोगों के बीच में बता सकते हो। जितनी ज्यादा बढ़िया ऑडियंस रहेगी उतनी ही बढ़िया तरीके से आपका प्रोडक्ट यहाँ पे सेल होगा। आप चाहे तो इन्फ्लुएंसर की हेल्प ले सकते हो, जिसके थ्रू आप डिफरेंट वे में अपने ब्रांड से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाओगे और साथ से अपने कंटेंट को भी मोनेटाइज कर पाओगे। तो यूट्यूब में भी बढ़िया बेनिफिट ये होता है कि अपने प्रोडक्ट अपने सर्विसेज की एक बढ़िया तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आई होप कि आप कंप्लीटली समझ गए होंगे कि किस प्रकार से यूट्यूब का इंट्रोडक्शन है और साथ साथ आपने यूट्यूब जर्नी से लेकर इसके फैक्ट और साथ साथ आखिर में यूट्यूब क्या है और बेनिफिट्स क्या है, सभी चीजों के बारे में आपने समझा। आई होप विश यू द बेस्ट। थैंक यू सो मच।